गाइस अस्सलाम वालेकुम, मैं सिर्फ अलिश बहन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं और हमारे घर में सब सो रहे हैं, मैं ऐसे उठी हुई हूँ। तो मुझे से इतना कहना है, हर वीडियो में कहती हूँ कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और इस वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलिएगा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और मैं बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि आज वैसे भी 23 मार्च है, तो सब सो रहे हैं, छुट्टी इंजॉय कर रहे हैं और मैं छुट्टी इंजॉय नहीं कर रही। और वैसे भी आज मेरी छुट्टी होती है स्कूल की तरफ से क्योंकि मेरा स्कूल है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे वाला है, तो मेरी छुट्टी होती है, मेरी छुट्टी होती है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखा है, इससे मैं आप सबसे सॉरी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत ही अरसे बाद कोई ढंग का व्लॉग डालूँगी क्योंकि मैं भी कोई ख़ास व्लॉगिंग कर नहीं रही थी क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था। सो आज से मैं आप सबको अच्छे अच्छे व्लॉग्स सिखाऊंगी, तो प्लीज़ मेरे जो पहले सब्सक्राइब कर दें, फिर उसके बाद मेरे व्लॉग्स देखते रहिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा प्लीज़। तो फिर अब मम्मा वगैरह मेरे पूरे घर वाले उठ चुके हैं और नाश्ता बन रहा है, रोटी, पराठे, चाय, दूध, सब पक रहा है, सब पक रहा है, दूध बॉयल हो रहा है, शायद गर्म हो रहा है, बॉयल हो रहा, आई डोंट नो। अच्छा, तो फिर ये जो मैं चिपड़ रही हैं रोटियां, तो कुछ लोग हमारी चिपड़ी हुई रोटी खाते हैं और कुछ सिंपल, तो बस मैं चिपड़ रही हैं। और ये है अंडे के लिए प्याज काटी हैं, और ये कुछ बहुत ज़्यादा चल रहा था ना कि जिसको हाथ से खींचो तो ये इधर सा ग्राइंड हो जाता है, थोड़े कट जाते हैं, तो मेरी मम्मा को बहुत पसंद था तो उन्होंने आखिरकार मंगवा ही ली है, तो अभी का नहीं है, पुराना ही हो गया, अभी नहीं का है, अब मतलब इतना भी पुराना है नहीं कि बहुत अरसा पुराना है, तो अभी का ही है, मगर बहुत अच्छा है, मज़ा आता है करने में। और ये भाई अंडा शंडे हैं, ये अंडे पंडे, और मैं जो तो रुक रुक के डाल रही हूँ ना, ये मेरी मैं मतलब मम्मा तो आई नहीं रही नज़र क्योंकि मैं इस वजह से डाल रही हूँ क्योंकि मुझे अंदाज़ा तो पता नहीं है, तो मैं मम्मा की तरफ़ देखती हूँ तो मम्मा कहती है हाँ ठीक है डाल दो, तो बस डल गया। एंड और भाई ये चाय भी तैयार हो चुकी है, दूध भी गर्म हो गया, चाय तैयार हो गई है, अंडा भी तैयार होने ही वाला है, सब कुछ तैयार है, कुछ रहता भी है क्या नहीं रहता। और भाई ये अंडा वैसे मेरा है और ये पराठा मेरा है, ऐसे ही पराठा मेरे लिए नहीं बना था, ये मेरा कोई और सा अच्छा सा पराठा था मगर मेरी बहन ने मेरा पराठा ले लिया था तो मैं ला के बैठी थी। और भाई वैसे नाश्ता मैं करती नहीं थी मगर मैंने अब करना स्टार्ट कर दिया है, मैं बहुत ओवर एक्टिंग कर रही हूँ। चलो भैया अब मैंने नाश्ता कर लिया है, प्लेट रखते हैं और फिर देखते हैं क्या आगे क्या करेंगे। इस बार मैं बर्तन नहीं धोने वाली, तो मत देखिएगा ऐसे ही मैं बर्तन धोऊंगी। खुल नहीं रही थी। अच्छा तो मैं ये दिखाने आ रही थी
ये पर ओवर हो रही हो, मेरी बहन पीछे बैठे ओवर हो रही है यार। ये देखें, आप सबको दिख रहा होगा, ये है मोती का पौधा। पौधा होता है क्या होता है पता नहीं, पौधा ही होता है ना। हाँ, तो उसके अंदर से कलियाँ आ चुकी हैं, तो हमें इंतज़ार है। इतनी सारी आई हुई हैं, अब दिखेंगी, पता नहीं दिख रही होंगी आप सबको कि नहीं दिख रही होंगी। तो बड़ा नीचा चुका। और ये है, ये है बादाम का दरख्त। ये बादाम का दरख्त नहीं है, ये एवी है, पता नहीं कौन सा दरख्त है, ना कोई फूल है ना कुछ है। ऊपर है, ऊपर है। फूल कहाँ है? वो यहाँ से दिख रहे हैं। ओ वो रे फूल, मैंने अभी तक फूल नहीं देखे यहाँ के, नजर आ रहे होंगे आप सबको। तो वो रे फूल और कहाँ है? वो तुम्हें दिख नहीं पाएगा। अच्छा, यहाँ पर भी है, आप सबको चुन्ना सा दिख रहा होगा, पर ये ज़्यादा डार्क है, तो इतना अच्छा है मैंने नहीं देखा था अभी तक। और उस साइड मैंने हाथ बाहर निकाल के कर रही हूँ, उस साइड यहाँ पर, अब मैं बाद में दिखा दूँगी आप सबको। चलो अभी अंदर आ जाओ, मोबाइल गिर गया ना तो पता चल जाएगा मुझे। बाकी आधी क्यारी सूखी पड़ी हुई है घास फूस से, और आधी क्यारी जो हमारी खिड़की के नीचे है, ठीक है। मगर सबसे अच्छी चीज़ ये निकलने वाली है, ये सबसे अच्छी चीज़ है, ब्यूटीफुल है, हमारे कमरे में खुशबू खुशबू रही है हर वक्त। चलो भाई लाफे। अच्छा तो फिर भाई, हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया था, तो थोड़ा तफरी के लिए हमने तारक मेहता भी लगा लिया था, जब एंड पर हो गया था तारक भाई आ गए। और अब खाना बनने की तैयारी है, खाना बन रहा है। और आप सब कहेंगे कि दाल फ्राई पैन में, तो दाल कल दोपहर की थी, कल दोपहर की नहीं कल रात की थी, जो हम दोपहर में खा रहे हैं। और ये जो सलाद आप सबको दिख रही है, ये हमारे घर की सलाद है, मतलब हमारे घर की, मतलब घर की। और ये कुछ हम पानी पी रहे, मैं ये ओवर एक्टिंग कर रही थी अपनी बहन के साथ, सो इग्नोर करिएगा। भाई नहीं, कुछ मिट्टी के बर्तन लाए थे, तो मैंने सोचा मैं आप सबको दिखाऊं। तो ये था, ये ब्राउन इसी कलर का था, मगर बाबा ने ये कहा कि इसको हम गोल्डन कर देते हैं, और इस ग्लास को भी हमने गोल्डन कर दिया, ताकि जब हम रखें, मतलब टेबल वगैरह पर रखा हुआ है, तो अच्छा लगेगा। तो इस वजह से बाबा ने गोल्डन कर दिया। वैसे ये ऐसे ग्लास था, सेम ऐसा ग्लास था। आप सबको इसके ऊपर नज़र भी आ रहा होगा, तो बाबा ने कहा था कि मैं भी डबल कोटिंग करूँगा, तो अभी डबल कोटिंग बाबा करेंगे। और अभी मम्मा ने इसमें इस वजह से पानी रखा हुआ है, मैं दिखाती हूँ, इसमें मम्मा ने पानी रखा हुआ है, ताकि जो होता है ना मिट्टी के बर्तन पानी पी लेते हैं, जितना पानी पी सकते हैं उतना पी लें। मम्मा ने सब में पानी डाल के रखा हुआ है, ताकि जितना पानी पीना है, मगर मैंने इन दोनों में से पानी अभी अभी निकाल के फेंका है, आप सबको दिख भी रहा होगा, अभी अभी पानी निकाल के मैंने फेंका है, इसमें थोड़ा सा पानी रहता है बस। मुझे बहुत अच्छी लगी थी यार कढ़ाई, मुझे बहुत पसंद है मिट्टी के बर्तन, आई जस्ट लव। मुझे वैसे मिट्टी, मुझे मिट्टी वैसे भी पसंद है, मैं खाती नहीं थी, मगर जैसे लोग बच्चे खाते थे ना, मेरी बहन मेरे बहन भाई खाते थे, मगर मैंने आज तक मिट्टी नहीं खाई, मगर मिट्टी की स्मेल मुझे पसंद है, जैसे बारिश की स्मेल होती है, तो मुझे वो पसंद है, तो मुझे मिट्टी के बर्तन भी इस तरीके से पसंद है, तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और वैसे भी कहा जाता है मिट्टी के बर्तन घर में होने चाहिए, क्योंकि बरकत होती है, तो मैं बाबा लेकर आया था, मुझे अच्छा लग रहा है। और सबसे ज़्यादा तो ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसके ऊपर बाबा ने गोल्डन कलर कर दिया, तो ये बहुत ही नाइस, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। मतलब इसके ऊपर थोड़ा सा प्रिंट आया हुआ है, प्रिंट लगा हुआ है, देखें घर बना हुआ नज़र आ रहा होगा, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मगर बाबा ने कहा था कोट कर दूंगा, मगर ये तो बेस्ट लग रहा है, ओह माय गॉड। सो चलें अब देखते हैं अब हम क्या करते हैं। अभी जो है ना हम फ्राइज मंगवा रहे हैं, तो हम ना कुछ इन पैसों से फ्राइज मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हैं पैसे जमा हो रहे हैं, 5-5 के सिक्के इतने सारे हो चुके हैं।
अब फ्राइज मंगवा रहे हैं हम, हमारे पास पैसे रखे हुए हैं मगर हमने सोचा आज हम मंगवाएंगे तो सिक्को से मंगवाएंगे। तो भाई देखते हैं, हम बहुत ज़्यादा, मेरी बहन बोली हम ये नहीं डालना, हम बहुत ज़्यादा गरीब है और मेरा भाई लेने जाएगा काला। 230 वाले 250 230 250 कितने सारे पैसे हैं यार, व्हाट इज दिस, वाओ। हमारे पास पहले पता है बहुत सारे हुआ करते थे, 500 रुपये से निकलते थे। ये देखें, ये पैसे जमा हो चुके हैं और ये हैं 50 वाले फ्राइज, यम्मी शम्मी। हटाओ हाथ, हटा दो, हाँ गर्म हो रहे हैं। सो मम्मा तुम केचप नहीं डलवाया तुमने, ये शायद कम वाले हैं, फाके इतने सारे हैं ये। चलो फिर अब हम चल रहे हैं अपने रूम में, चलो चलो जल्दी चलो भाई। देखो भाई, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर देना, जल्दी से लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो जल्दी से, तो जब तक मैं ये खा कर आ रही हूँ। चलो जी जल्दी से। फिर अब लाइट जा चुकी है और फ्राइज मैं खा रही हूँ, और ये टाइम हो रहा है मैं फ्राइज खा रही हूँ और मैं अब कैंडी क्रश खेलने जा रही हूँ। तो फिर चले कैंडी क्रश खेलने, टाटा। वक्त 7 बज रहे हैं और घर में लाइट है नहीं और मोबाइल में भी चार्जिंग ख़त्म हो गई है, तो मैंने पावर बैंक लगाया है, शायद ये आप सबको दिखता हो। और मेरी बहन ने चीज़ें पे चीज़ें खाई जा रही हैं, जो मोहम्मद ने आया मेरे छोटे बहन भाइयों का लंच आया हुआ होता है, तो बस ये बोलो। चलो फिर अब देखते हैं कि क्या होगा, माँ बाप भी गए हैं। अच्छा जी गाइस, ये खाना बन रहा है मगर मैंने खाने की मतलब पूरे खाने की वीडियो नहीं बनाई। सो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अब मिलते हैं अगली वीडियो में।